हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज थिन फिल्म। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। सो बेसिकली थिन फिल्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का लेयर होता है जिसका थिकनेस नैनोमीटर से माइक्रोमीटर तक वेरी करता है। तो इसे कुछ हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अ थिन फिल्म इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम फ्रैक्शंस ऑफ अ नैनोमीटर टू सेवरल माइक्रोमीटर्स इन थिकनेस। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सो बबल। ओके सो फ्रेंड्स, आपको एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट इज थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो इसे हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, थिन फिल्म इंटरफेरेंस इज सुपर पोजिशन ऑफ रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव्स फ्रॉम लोअर एंड अपर बाउंड्रीज ऑफ थिन फिल्म, एंड दिस इंटरफेरेंस इज बेसिकली डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड इंटरफेरेंस। सो यहाँ पे फ्रेंड्स, डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड इंटरफेरेंस क्या होता है, इसे हमने कवर किया था। जब जब वेव का इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की वजह से हो, तब तब ये डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड टाइप का इंटरफेरेंस कहलाएगा। क्योंकि इस केसेस में क्या होते हैं कि जितनी बार वेव रिफ्लेक्ट होता है एंड ट्रांसमिट होता है, उतनी बार एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है। सो इसलिए हम इसे डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड इंटरफेरेंस कहते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस क्या होता है।